ये देखेंगे। और बादल कितने गहरे गहरे आ गए हैं, काली घटा छा गई है। आज 4:30 बजे का टाइम है और शाम के 6 बज गए, ऐसे लग रहा है बड़े गहरे बादल आ गए हैं। और ये देखिए ये परिंदे, ये क्या है पता नहीं, बाज है क्या है, उड़ रहे हैं कितने मजे से। चील है, चील है, चील। कितने अच्छे बादल आ गए हैं ना, है ना। चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये देखिए लाइट्स ऑन करो ना, आज बाहर बादल आ गए तो अंधेरा हो गया। मैं अभी करने लगी थी इफ्तार की तैयारी, नमाज पढ़ने लगी हूँ अभी क्योंकि अजान स्टार्ट हो गई है। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रिज वाली चीज़ें निकाल के बाहर रख दूँ ताकि वो थोड़ा जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो बस वो चीज़ें निकालने लगे हैं, फिर इफ्तार की तैयारी करते हैं। और आज इफ्तार के बाद इंशाल्लाह अगर चे बारिश ना हुई तो फिर हम जाएंगे शॉपिंग के लिए ईद की, और अगर बारिश हो गई तो फिर तो ज़ाहिर है नहीं जा पाएंगे। और बारिश ना हो तो अच्छा ही है कि आज हम शॉपिंग कर रहे हैं इफ्तार की रमज़ान ईद की शॉपिंग करने चलेंगे आज सब की, अगर बारिश ना हुई तो इंशाल्लाह। तो चलें मैं चीज़ें वगैरह फ्रिज से निकाल के रख दूँ और फिर नमाज़ वगैरह अदा करते हैं, तो फिर उसके बाद जो हुआ वो शेयर करेंगे आपसे। और ये देखें अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले कैसा मौसम था, और 5 मिनट में बारिश भी स्टार्ट हो चुकी हुई है और तूफान वाली, और हवा भी बड़ी तेज़ आ रही है, चल रही है, आ रही है, बादल गहरे गहरे हैं। मैं अभी उसे मज़ू किया नमाज के लिए, हाँ, और साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई और ये बादल चल रहे हैं। अनस नमाज पढ़ने गया है और बारिश लग गई है, पता नहीं कैसे आएगा वो। चलो अंदर, यहाँ एज यूजुअल पाकिस्तान की जो रवायत है कि ज़रा सी हवा भी चलती है और लाइट चली जाती है, हमारी भी लाइट चली गई है और UPS भी बंद पड़ा है हमारा, वो ऑन करना है लेकिन अब ऊपर कोई जा ही नहीं रहा ऑन करने के लिए क्योंकि इतनी तेज़ आंधी तूफान चल रही है कि छत पे भी डग 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 की आवाज़ें आ रही है, चीज़ें गिर रही हैं नीचे। तो ये देखें, ये बता खुद से ही हिल रहा है, इतनी बिजली चमक रही है इतनी ज़्यादा। चलो ठीक है, और इफ्तार का टाइम भी है और घर पे आलू भी नहीं थी, तो वो भी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा आते हुए आलू लेकर आए, अब देखें आलू किस टाइम पहुँचते हैं, कब हमारे पकौड़े बनते हैं। और लाइट भी कस टाइम फिर ऑन होती है तो हम इफ्तार तैयार करते हैं। तो चलें वेट करते हैं, हम जा रहे हैं जी अपनी शॉपिंग करने, शॉपिंग करके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बारिश अभी भी रुकी है लेकिन बड़ा ही तबाही वाली बारिश हो गई है आज, ये देखिए कीचड़ ही कीचड़ कीचड़ ही कीचड़। तो चलें चलते हैं अभी शॉपिंग के लिए जी, कर ली है यहाँ से ग्रोसरी अपनी जो करनी थी, और अभी हम जा रहे हैं वो सामने यम पे, वहाँ से ब्रेड वगैरह लेंगे। और हल्की हल्की बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है तो हम चलेंगे वापस घर, अभी यहाँ से हम बस जो है मार्केट की साइड पर नहीं जाएंगे शॉपिंग के लिए ईद की, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और इससे पहले तेज़ हो जाए हम घर वापस जाएंगे। और तो इंशाल्लाह कल अगर मौसम ठीक हुआ तो कल चलेंगे फिर हम ईद की शॉपिंग के लिए। तो गाइस ग्रोसरी करके आ गई हूँ मैं वापस, ओह लाए हैं कोफ्ते, अच्छा सेवैयाँ लाई हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, टी बैग्स ख़त्म हो रहे थे, अच्छा ग्रीन टी ख़त्म थी, खजूरें ख़त्म थी, तो टैंग का शौक चढ़ा हुआ था इसलिए मैं टैंग के छोटे पैकेट्स लाई हूँ, अगर पीने हुआ तो फिर लेंगे। और ये पिंक सॉल्ट नमक ख़त्म हुआ था और साबुन वगैरह ख़त्म थे, और भी हैं साबुन निकालो, और ये खिचड़ी वाली दाल भी ख़त्म थी, चटनी भी लाई है, पाइनएप्पल भी ख़त्म थे, पाइनएप्पल के कैन लाए हैं, और ब्रेड बच्चों की ख़त्म हो गई, ब्रेड लेकर आई हूँ, और सब ज़्यादा ज़रूरी है बेसन, आज बेसन की वजह से हमारे पकौड़े ऐसे थे जैसे सिर्फ बेसन में हल्के से भिगोए हुए पकौड़े हों, सिर्फ आलू ही आलू थे, तो बेसन लाई हूँ। तो चलो ये चीज़ें रखो अपनी अपनी जगह पे, ये भी ले लो, अनस ये भी ले लो, नहीं बिस्किट वगैरह तो नहीं लाओ बेटा, अनस ये डेट्स भी रखो, आइसक्रीम तो फ्रीजर में पड़ी हुई है, ये लो, आइसक्रीम पड़ी हुई है ना फ्रीजर में, नहीं अभी आइसक्रीम वाला मौसम तो नहीं है, ये साबुन लेके जाओ बाहर रखो, बाहर रखो ना रैक पे, चले मैं ये चीज़ें समेट लूँ। तो उसके बाद पीना है मैंने जूस, क्योंकि मैं 5-6 दिन से मेरा जूस पीने का बहुत ज़्यादा दिल था, इसको फ्रिज में रखो थोड़ी देर, ऊपर फ्रीजर में ये थोड़ा ठंडा हो जाए, हाँ थोड़ा ठंडा होना बहुत ज़रा,
और मैं रोज भूल जाती थी कि मैंने जूस लेकर आना है, तो आज मैं स्पेशल गई हूँ और मैं जूस पी लेना ले आई हूँ। मैंने कहा ये कोफ्ते हैं ना, तो मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा मेरा काफी दिन से पीने का दिल कर रहा है, मैं 3-4 दिन से अपने हस्बैंड को कह रही थी जूस पीना है, जूस पीना है, लेकिन भूल जाती थी। फिर आज मैं गई और मैं याद से लेकर आई, मैंने आज लेकर जाना ही जाना है। तो चले मैं चीज़ें समेट लूँ और आज का व्लॉग करूँगी मैं बस यहीं पे एंड। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल रमज़ान के इस प्यारे से मुबारक महीने में। हम सबको भी दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा दुआओं में। और इसी के साथ इजाज़त दें, मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। कल चल करेंगे ईद की शॉपिंग इंशाल्लाह ताला, अगर से बारिश ना हुई तो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।